पीड़ित महिला सास की शिकायत करने पहुंची पुलिस कप्तान के पास, कहा सास बदमाशों के द्वारा खाली करवा रही है मेरा मकान। आज चंद्रवरदेई क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला किरण कंवर पुलिस कप्तान के पास फिर से मदद की गुहार लगाने पहुंची, जहां पर उसने बताया कि जनवरी के महीने से उसकी सास उसके पीछे पड़ी हुई है, उसका घर खाली करवाना चाह रही है। इसको लेकर सास कई बदमाशों का सहारा ले रही है और आए दिन बदमाश घर में घुस रहे हैं और तोड़फोड़ करते हैं। आज भी जब महिला स्कूल गई हुई थी तो पीछे से घर में कुछ गुंडे घुसकर सारा खाना पीने का सामान बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, घर में पड़े पैसे भी लेकर चले गए। इसको लेकर जब महिला ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो वहां से महिला को कहा गया कि पहले वह सामान अंदर डाले, लेकिन महिला सब छोड़कर पुलिस कप्तान के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची और कार्रवाई की मांग की। मुझे ना मेरी सास घर से निकालना चाहती है, मेरे पति को निकालना चाहती है। जो मेरा दो दिन पहले हमारे वो करने आए थे गुंडों से, हमें धमकी दिलवाई थी इन लोगों ने गुजरों से, तो हमने थाने गए थे, रामगंज थाने गए थे, तो हमने वहाँ पे रिपोर्ट वो भी दी थी, तो उन्होंने पाबंद करा था। उसके बावजूद आज आके मैं स्कूल गई हुई थी, आज आके इन्होंने सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिया, पानी का टैंक खाली कर दिया, ऊपर की टंकी खाली कर दी, खाने पीने का सामान बाहर फेंक दिया, बाल्टी वगैरह जो भी थी सब तोड़ दिया, मेरे गद्दे के नीचे पैसे रखे थे वो ले लिए, और वो जो भी मंगलसूत्र वगैरह अंगूठी पड़ी थी अलमारी में वो ले गए, सब कुछ लेकर गए, खाने पीने तक सारा नुकसान करके गए। ये मेरी सास ने ना मकान खाली कराने के लिए जगदीश गुर्जर है, मोनू गुर्जर, रणजीत गुर्जर, मुकेश गुर्जर और विष्णु गुर्जर, ये लोग आए थे मेरी सास के साथ में। इनको पाबंद भी किया था पहले? इनको दो महीने पहले, अभी दो दिन पहले मैंने रामगंज थाने में भी इनकी रिपोर्ट लिखाई थी, बाहर धरना देके बैठे थे ये मेरे, तो मैंने लिखाई थी इनकी, तो इनको पाबंद किया था दो दिन पहले, उसके बाद ही आज आके वापस मैं स्कूल पीछे से आके मेरे ये सामान सारा बाहर फटक के गए ये लोग। अभी आप रामगंज थाने में गए क्या? अभी वो पुलिस वाले बुलाया था, मैंने वहीं पे बुलाया था, तो उन्होंने कहा पहले सामान अंदर डालो फिर आपकी रिपोर्ट लिखेंगे हम लोग, पहले सामान अंदर डालो। नहीं, सामान नहीं डाला, मैं पहले इधर आई थी, मैंने कहा कुछ तो कार्रवाई हो, मुझे इतना परेशान करे, जब दो दिन पहले पाबंद करा जब भी उन लोगों को असर नहीं हुआ, वो साफ कहते हम लोग किसी से नहीं डरते, हम लोग वो अपने आप को बहुत, हाँ पुलिस से नहीं डरते और वो अपने आप को बहुत बड़े वो मानते हैं गुंडे। मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस से मिलने आई थी, यहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट दी थी तो सर ने भी मेरी नहीं सुनी थी। अभी एक दो हफ्ते पहले मैं यहाँ रिपोर्ट देके गई कि मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, जनवरी से लेके मुझे बहुत परेशान कर रहे घर खाली कराने के लिए, तब भी मैंने एसपी साहब के, तो उन्होंने कहा था मैं जाँच करेंगे, तो अभी तक इनका कुछ भी नहीं हुआ और ये रोज परेशान है। मेरी दो बच्चे हैं, ये दोनों हमारे साथ स्कूल गए हुए थे, मैं वहीं पर रहती हूँ, और आए तो ये सारा हमने पड़ोसियों ने फ़ोन करा था कि आपका ऐसा ऐसा सामान है, तो हम फटाफट टेम्पो में आए थे तो देखा तो ये ऐसे कर रहे हुए हैं, सारे सामान सारा टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ रोड पे बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम किरण कंवर है, चंद्रवरदेई नगर में।